जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली बड़ी जीत से जहां एक और पूरा प्रदेश खुश है, वहीं भाजपा ही समर्थकों में एक बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है। हमारे साथ में बीकेटी विधानसभा से श्री द्विवेदी जी मौजूद है, जिन्होंने एक बड़ी बहुमत से जो है इलेक्शन को जीता है और अपने प्रतिद्वंदियों को जो है धूल चढ़ा दिए। आइए हम उनसे बातचीत कर जानकारी करने का प्रयास करते हैं कि इनको किन मुद्दे पर जीत मिली है और किन मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। जीत के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं और हमारा देश का नेतृत्व जिसने हमें एक दिशा दिया, भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा दिया, वो बधाई के पात्र है। के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश सीपीआई बहुमत ला करके अपना परचम फहरा रही है। जी, विरोधी पार्टियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी विरोधी पार्टियों को ये संदेश देना चाहेंगे, प्रचार छोड़ दो, गुंडई छोड़ दो, जमीनों पर कब्जा करना छोड़ दो, नहीं तो अगली बार आपको उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर फेंकने वाली। की काम बोलता है तो ऐसे में क्या लगता है भारत किसका काम बोल रहा है? ये काला आदरणीय श्री नरेंद्र काम बोल रहा है, देश की रक्षा करने वाले श्री गृह मंत्री, ये हम भारतीय जनता पार्टी का हमारी देश की साथ पसंद आया यूपी। ये राजनीतिक लोग, ये गैर राजनीतिक लोग जो किसी एक पार्टी के नेता बन के बैठ गए, जिनको यही कहा जनता क्या चाहती, उसका मूड क्या है, और वो खाली नारे जनता को वो साथ पसंद है तो वो साथ केवल उन्हीं दोनों को पसंद है। जनता ने ये संदेश दे दिया।